ऐसे मतलब ना ये देख लेता है, इसने गुना बना रखा है, इसके बहुत ही देख लेता है। क्या कर रहे हो बाबू जी, क्या हाल चाल? भीख क्यों मांग रहे हो बाबू जी? क्या क्या प्रॉब्लम, क्या है, क्या हुआ है? काम नहीं होता इससे? काम नहीं आपका, कैसे चलते आते हो? उम्र क्या है, उम्र उम्र क्या है आपका? 60-70। तो ये कब से है ऐसे? कब से? दो साल से। करते क्या थे पहले? घर ही कोई धंधा पानी का, घर ही करते। नहीं कुछ काम करते थे पहले? नहीं। क्या करते थे? सोना बाटे दुकान का। तो ये कहा हुआ क्या? ये सब पैर में क्या लगा? ये पानी है। जी हाँ दोस्तों, तो हम चाहते थे इनकी मदद हो जाए, थोड़ा कैश इनको दे दिया जाए, मगर यहाँ के लोगों ने, लोकेलिटी ने बताया कि इनका एक पोता भी है और इनका बेटा इनको इधर ही रख के कमाई कर रहा है, इनसे खरी धूप में यही रहता है और रात को इनका बेटा आके इनको लेके चलता है। बहुत ही अफसोस की बात है, पिता ने पढ़ाया लिखाया, एक मुकाम दिलाया और उसके बाद बेटे ने पिता को यहाँ रख के कमाई का ज़रिया बनाया। क्या कहो इनके साथ, अब आगे देखिए। ये यहाँ पे बैठोगे तो दिक्कत आएगा आपको, यहाँ पे बैठने में दिक्कत आएगा, से मत बैठो इधर, क्योंकि टेंशन होगा तुम्हें। पकड़ लो ये सब, ये भी पकड़ो, ठीक है? बस दुआ कर लो, दुआ ऐसे ऐसे मत बैठना, काम कर लेना, ठीक है? कुछ कर लेना है। क्या खाया, कुछ क्या खाया? खा लिया चावल। हाँ चावल खा लिया। ऐसे खाया? हाँ। पैसे दे दिया? वो ऐसे ही खाता है। ऐसे दे देता है? हाँ बहुत बढ़िया है, चलिए चलता हो बाबू जी, फिर मिलते हैं। कहाँ से? कहाँ से मिलता, किधर से? कहाँ मैं ढूंढता हूँ, एक बार देखता हूँ अगर ये मिले। हाँ तो ये धोती कहाँ से मिलता है? पैसे मिलते हैं ना, बहुत देख लेता। जैसे आप लोगों ने देखा तो इस अंकल ने हमसे धोती मांगा कि हम इनको धोती दिलाए। तो आप सभी को ये बता दो कि इस एरिया में कहीं भी धोती की दुकान नहीं है जो आप जाके खरीदे और इनको दिलाए, बहुत दूर है। तो इसलिए ये लोग ऐसे करके आपको मजबूरन पैसे देना होगा कि वो लोग धोती खरीदे इनसे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इस बारे में क्या कहूँ। एक पिता को कैसे खरी धूप में यहाँ रख के कमाई के ज़रिया बनाया बेचारे को, तो हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।